फ्रेंड्स, आज बनाया मैंने राजमा चावल, जीरा राइस और राजमा। तो अब इनको एक बारी बनाना तो बनता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं राजमा चावल बना। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं राजमा चावल। ये राजमा मैंने रात भिगो दिए थे, ये 250 ग्राम के करीब राजमा है। अब हम इनको उबलने रखते हैं। ये मैंने कुकर में, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। घी गर्म होने पर इसमें थोड़े से खड़े मसाले, ये तेज़पत्ता, ये दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और ये 4 लौंग। मसाले भुनने के बाद अब इसमें हम ये अपने राजमा उबलने के लिए रख देंगे। ये नमक, राजमा उबलते समय पानी केवल ज़रूरत के अनुसार नहीं डालना चाहिए। उससे होगा क्या, हम इस पानी में राजमा उबल सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि राजमा की स्किन ऊपर से छूट जाएगी और वो फटे फटे हो जाएंगे। और स्मूथ साबित राजमा रखने के लिए हमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है। मैं इसमें और डाल दूँगी और कुकर लगा के इसे हम उबलने रखते हैं। तेज़ आंच पे 2 सीटी देके हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे 6-7 सीटी आने तक उबालेंगे। चलिए, इतने हमारे राजमा कुकर की सीटी निकलती है, इतने हम राजमा की ग्रेवी के लिए तड़का बना लेते हैं। ये मैंने पैन में घी डाला गरम हो, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा और ये हींग। ये मैंने 2 प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, इनको डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मक्खन। मक्खन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। घी के साथ मक्खन को ज़रूर डालिएगा। अगर हम मक्खन जीरा भूनने से पहले डाल देते तो हमारा मक्खन जल जाता, इसलिए मैंने मक्खन पहले नहीं डाला। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने 4 टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है, प्यूरे बना लिया है, इसको डालूँगी। अब हम इसको भूनेंगे। टमाटर डालते ही हम इसमें नमक डालेंगे, पर इस बात का ध्यान रखना है कि नमक हमने राजमा में भी डाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही नमक डालूँगी। और बेसिक मसाले, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर राजमा को खटास देने के लिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च। और ये मैंने ग्रेवी मसाला बना के रखा है, मैं साबित मसाले नहीं डालती हूँ, ये वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाले। 1 चम्मच भर के मैं ये डाल दूँगी, इससे सब बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाती है मसालों में, हमारी ग्रेवी में। और साबित मसाले हमें निकालने पड़ते हैं, वो भी हमें निकालने नहीं पड़ते, और सब मसालों की फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ जाती है और ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से पक जाती है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भून गया है, ये घी छोड़ दिया है, देखा आपको दिख रहा होगा साइडों में इसने घी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें अपने राजमा डालेंगे और इसमें जो हमने ये साबित मसाले डाले थे इनको निकाल देंगे, क्योंकि इनकी फ्लेवर राजमा में आ चुकी है। तो आपको जैसे पतले गाढ़े चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से 3-4 मिनट तक पकाएं, जिससे कि सारे मसालों की फ्लेवर इसमें आ जाए। और बनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारे राजमा तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे राजमा बने हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। और इस पर मैं ऊपर से थोड़ा सा घी और डालती हूँ। पंजाबी खाने में घी का अपना ही स्वाद होता है। और इसको मिलाकर देखिए, ऊपर से घी डालना बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में। और ये देखिए, ये हम धुला हुआ हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे और हमारे राजमा तैयार हैं सर्व खाने के लिए।
अगर आप इस तरह से राजमा बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए कितने अच्छे राजमा बने हैं। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने इस तरह से बनाए तो आपके राजमा कैसे बने। और अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाऊंगी। चावल मेरे बन जाए फिर मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ, राजमा चावल हमने जो बनाए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने बनाए तो आपके कैसे बने। थैंक यू। चलिए अब हम राजमा के लिए चावल बना लेते हैं। ये चावल मैंने उबाल लिए हैं, अब हम इनको ज़ीरा राइस बनाएंगे। चावल हम छोंक के भी बना सकते थे पहले से जीरा और डाल के, लेकिन मैं चावल उबाल के माड़ निकाल के बनाती हूँ। और जीरा राइस अगर हम छोंक के बनाएंगे चावल को तो जीरे की स्मेल उतनी नहीं आ पाती है चावल में जितनी कि आनी चाहिए, और जीरा गल जाता है। और इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जीरा गलेगा नहीं, खड़ा भुना भुना जीरा अच्छे से भून के हम जीरे को फिर अब इसमें चावल डालेंगे। भुने हुए चावल में इससे जीरा खड़ा खड़ा रहता है, इसमें गलता नहीं है। और अगर हम छोंक के बनाते हैं तो उसमें जीरा दब जाता है, गल जाता है और जीरा खाने में अच्छा नहीं लगता इतना। अब हम इनको ढक के थोड़ी देर दम होने देंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। देखिए अब हमारे जीरा राइस बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। इसमें देखिए जीरा कितना करारा करारा रहेगा, और अगर हम छोंक के चावल बनाएंगे पानी डालने के बाद जीरा करारा नहीं रहता है, इसलिए मैं जीरा राइस बनाती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ। चावल पहले उबाल लेती हूँ और फिर हींग जीरे का छोंक लगा के, जैसे हम और चीज़ों में लगाते हैं दाल सब्जी में, उस तरह से छोंक लगा के चावल को उसमें डालती हूँ। अगर आपको मेरे जीरा राइस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। थैंक यू। देखिए हमारे राजमा चावल तैयार हैं खाने के लिए। देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने गाढ़े राजमा बने हैं, कितने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने बनाए तो आपके कैसे बने।